उदयपुर में आयोजकों ने वसुंधरा राजे को गुमराह करने की कोशिश की। आपको बता दें बड़ी खबर, जब वसुंधरा राजे को गुमराह करने की कोशिश की गई, साफ जगह पर कचरा फैलाकर झाड़ू लगवाई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस बात से अनभिज्ञ थी, पता चलने पर आयोजकों को फटकार लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने साफ जगह पर कचरा डाला, उनसे झाड़ू लगवाई और जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री को इस बात का पता चला, उन्होंने आयोजकों को फटकार लगाई। आपको बता दें उदयपुर में ये घटना हुई, जहां आयोजकों ने वसुंधरा राजे को गुमराह करने की कोशिश की, साफ जगह पर कचरा फैलाया, फिर झाड़ू लगवाई और जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री को इस बात का पता चला, उन्होंने आयोजकों को इस बात के लिए डांट लगाई। आपको बता दें इस बात से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अनभिज्ञ थी। आप देख सकते हैं दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री आपको दूसरी तस्वीर में झाड़ू निकालती हुई दिख रही हैं। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में आप देख सक रहे हैं किस तरह से कचरा बिखेरा जा रहा है, कचरा एक साफ स्थान पर डाला जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के आने से ठीक पहले आयोजकों ने इस तरह का षड्यंत्र किया, जहां पर साफ जगह पर कचरा डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर, पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर में पूर्व सीएम कचरा साफ करती हुई। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी धीरज रावल जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। धीरज, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, उदयपुर दौरे के दौरान वसुंधरा राजे जब राजकुमार शर्मा से मिलने गए थे, जो कन्यालाल का मुख्य द्वार, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वो यहाँ से सीधे रंग निवास पहुंची थी, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर्वेक्षण 2023 को 23 सफाई कार्य का जो शुभारंभ करने के लिए पहुंची थी। उस समय कार्यकर्ता जो थे वहां पर, जो मौजूद कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्लीन जगह के ऊपर जो कचरा डालने की जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनके आने से पूर्व जो कचरा रोड पर फेंका गया था, इसके बाद उसका शुभारंभ किया गया था। उसको देखते हुए जो यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर और वहां पर मौजूद लोगों के अंदर काफी ये चर्चा का विषय बना रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है उसको इसकी जानकारी नहीं थी। और धीरज, उन्हें पता कैसे चला, उन्हें कैसे पता चला कि ये सब आयोजकों द्वारा किया गया है? जी, जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब मौके पर पहुंची थी, उससे पहले जो कचरा है वो वहां पर डाल दिया गया था, जिसकी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इसकी जानकारी नहीं थी कि पूर्व में कचरा डाला गया है। जब ये वीडियो जब सामने आया, इसके बाद जो है काफी उदयपुर शहर के अंदर, राजनीति के अंदर ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह की जो हरकत की गई है, उससे कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो छवि है उसको बिगाड़ने का प्रयास अभी जरूर देखा गया है। जी, किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है आयोजकों द्वारा, क्या कोई बात सामने आई? क्योंकि दिख रहा है साफ साफ ये कचरा डाल रहे हैं उनके आने से पहले, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी है आपको? जी बिल्कुल, मेवाड़ के अंदर अगर गुलाब चंद कटारिया जी की बात की जाए, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के यहाँ से आसाम के राज्यपाल बनने के बाद कहीं ना कहीं गुटबाजी है जो यहाँ पर सामने आई थी, और गुटबाजी सामने आने के बाद इस प्रकार की जो वीडियो सामने आया है कि पूर्व में ही कचरा तीन जगह पर फेंका गया था, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा जो है वो यहाँ पर सफाई अभियान की जो शुभारंभ किया गया था, इसके बाद आपस में जो गुटबाजी है वो उभर कर सामने आई है। की जी धीरज, किन लोगों के बीच में गुटबाजी है, इसे विस्तार से बताएं धीरज, किसके बीच में गुटबाजी है, किस तरह से उनकी छवि के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया है? बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आने से पूर्व ये जो कचरा जो डाला गया है, उसके बाद इसका जो शुभारंभ किया गया है, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो छवि है और इनकी जो कार्य करने की प्रणाली है उसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इसकी जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार की जो हरकत की गई है, पूर्व में यहाँ पर कचरा डाल दिया गया, इसके बाद यहाँ पर उसका जो शुभारंभ किया गया है, इससे कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की छवि को जो धूमिल करने का जो प्रयास है वो यहाँ उदयपुर में देखने को मिला है। आपसी अगर बात की जाए गुटबाजी की, तो गुटबाजी में शहर के अंदर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस प्रकार का जो शुभारंभ है वो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा नहीं कराना चाहता, कहीं कहीं कार्यकर्ताओं की जो है नादानी कही जा सकती है कि इस प्रकार की जो हरकत है उससे करने से कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की छवि जी। उन्होंने फिर आयोजकों को बुलाया, क्या बातचीत हुई, उसके बाद क्या हुआ जब उन्हें पता चला कि इस तरह का ये एक रचा गया है, ये सच नहीं है, कचरा या नहीं था, किस तरह से उन्होंने फटकार लगाई, क्या कहा?
ये बिल्कुल जिस प्रकार से ये बात सामने आई और जिस प्रकार से वहाँ पे जो कार्यकर्ता मौजूद थे जिनको इनकी बात पता लगी, इसके बाद देखा गया कि कई कार्यकर्ता जो थे वो वहाँ पे झाड़ू छोड़कर दूर हट गए कि कहीं ना कहीं इस तस्वीरों के अंदर अगर देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी छवि भी धूमिल होगी। लेकिन आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब वो आए थे उससे पहले दोबारा जुड़ेंगे आपसे इस पर जानकारी लेने के।